नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, इस वक्त की यह बड़ी खबर है। दरअसल मामला है पटना में हुए गैंगरेप का। इस मामले को लेकर मनीष यादव समेत तमाम छात्राएं आज सड़क पर उतरी थी और सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और उन्होंने आक्रोशित छात्राओं पर वाटर कैनन का प्रयोग किया और साथ ही साथ मनीष यादव समेत कई छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस दौरान मनीष यादव क्या कुछ कहते हैं आप सुनिए। हमें जेल ले जाइए, हमें फांसी पे चढ़ाइए, लेकिन बहन के न्याय के खिलाफ हम जरूर लड़ते रहेंगे। हम अंदर रहें या बाहर रहें, अगर हम जेल जाते हैं तो हम अनशन करेंगे, हम जेल में भी अनशन करेंगे, बहन को न्याय दिलाएंगे। जिस तरह से हमें लाठियों से पीटा गया है, बलात्कारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अभी हमें जेल ले जाया जा रहा है, हम मांग करते हैं नीतीश कुमार से कि आप पे शर्म बची है तो आप अपने दोषी पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई कीजिए। जिस तरह से हम पे लाठिया बरसाइए, नीतीश कुमार अगर शर्म है तो आरोपियों की गिरफ्तारी कीजिए। आप हमें गिरफ्तार करके आप अपना सीना चोर करने से अच्छा है कि विश्वविद्यालय के वीसी से लेकर प्रिंसिपल तक को बर्खास्त कीजिए, जिन्हें यह भी खबर नहीं थी कि विश्वविद्यालय के एक व्यक्ति के साथ बलात्कार हुआ है। आपको खबर नहीं है, जिला मजिस्ट्रेट को खबर नहीं है, डीएम को नहीं है। और स्वर्ण कुमार जो आईपीएस है, उन्होंने हम पे हाथ चलाया है, एक छात्र संघ के अध्यक्ष के हाथ चलाया जो एक मांग कर रहा था न्याय मिले, हाथ चलाया। पटना विश्वविद्यालय के आम छात्रों को मारा गया है, 100 लाठियां बरसाई गई है लड़कियों पे बिना बात के। हम लोग मांग कर रहे थे कि हमें जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी चाहिए, उनकी शिनाख्त चाहिए, लेकिन जिस तरह से हमें दौड़ा दौड़ा कर महिलाओं को, खास करके मगर महिलाओं को, छात्राओं को दौड़ा दौड़ा कर खींचा गया और हमें जेल ले जाया जा रहा है। हम मांग कर रहे थे कि बहनों की जो स्थिति जिन्होंने की है, बलात्कार जिन्होंने किया, उसकी गिरफ्तारी होगी, हमें गिरफ्तार करके शासन आप जिस तरह से। तो आपने सुन लिया, मनीष यादव ने सरकार पर आरोप लगाया, साथ ही साथ यह भी कहा है कि बिहार में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं परंतु सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि पटना की एक छात्रा के साथ चार लोगों ने गैंगरेप किया था चाकू के नोक पर। पुराना वीडियो दिखाकर, उसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ गैंगरेप किया गया था और इस मामले को लेकर छात्रा ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले को लेकर पुलिस आरोपियों की खोजबीन कर रही, जबकि दो आरोपियों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया है। तो इस मामले को लेकर आज छात्राएं सड़क पर थी। मनीष यादव भी काफी संख्या में अपने छात्रों के साथ सड़क पर उतरे थे, उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस को वाटर कैनन का भी प्रयोग करना पड़ा। बहरहाल अब आगे क्या कुछ होता है, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। इसके लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। धन्यवाद।